अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली कैसे किया जाता है, जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाए और उस पर अमल किया जाए। ये ऐसे होता है कि जो आप बात कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस आपकी टोन ऑफ वॉइस से ज़ाहिर हो और आपके एक्सप्रेशन उसको कन्वे करें। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्प्लीटनेस, कम्प्लीटनेस ऑफ मैसेज, जो आप ऑडियंस को मैसेज दे रहे हैं वो कंप्लीट हो और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बल्कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई हो। फिर 5 W's आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, क्यों उधर आप आई हुई है और कहाँ पे और कब आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं। करेक्टनेस ऑफ मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फसाइज किया जाए पंक्चुएशन पे, और आपकी ऑडियंस कौन है उसको कंसिडर किया जाए, उसके क्या इमोशंस हैं, वो क्या मैसेज आपसे ले रही है, उसको इम्पोर्टेंस कैसे दी जाए आपकी ऑडियंस को। आप मेरा और हमारा कहने की बजाय उसको यू से इम्पोर्टेंस दें। कॉन्क्रीट मैसेज दें, ठीक है, कोई फजी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। कंसाइज मैसेज तभी होता है जब आपको पूरी नॉलेज हो, कंप्लीट मैसेज हो आपका। और बीइंग अ कर्टियस पर्सन, कीप योरसेल्फ हम्बल व्हेन कन्वेइंग योर मैसेज। ये सब सारी कम्युनिकेशन आपकी हर जगह, हर बिजनेस और हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, बेशक वो सेलिंग हो जैसे ओरिफ्लेम या और दूसरे प्रोडक्ट्स। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो प्रिपेयर करें अपने आप को, स्पीकिंग इन मिरर, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करें, चेक करें, अपनी ऑडियंस को समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर मेक अ ग्रुप ऑफ योर ऑडियंस एंड कन्वे द मैसेज थॉरली।